आज हम आए हैं जंतर मंतर। जयपुर के मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में से एक है ये जंतर मंतर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जंतर मंतर। ये जंतर मंतर जगह ऐसी है जहाँ पे आपको राशि के बारे में या फिर टाइम के बारे में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए दिखेंगे। जंतर इंस्ट्रूमेंट्स होता है मंतर कैलकुलेशन, उन इंस्ट्रूमेंटों का कैलकुलेशन या गणित करना। जयपुर के राजा ने सर जंतर मंतर को बनाया 1728 में, आज से लगभग 300 साल पहले। जो खुद एक एस्ट्रोनॉमर थे, ज्योतिष थे। पूरे इंडिया में ऐसे 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई गई है। फर्स्ट इन दिल्ली 1724, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर। पर जयपुर का जंतर मंतर कंप्लीट है वर्किंग में, बाकी जो 4 जगह के जंतर मंतर है राजा ने एक्सपेरिमेंट किए, जो कमियाँ आई वो इधर पूरी कर दी। इसीलिए जयपुर का जंतर मंतर 2010 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जो साइट है सर अभी यूनेस्को में। जो अपन देखने जाएंगे सर, ये रेड वाला है सन क्लॉक, सन डायल। आइए आपको बताते हैं। सन डायल है, आपको टाइम बताएगा, वो जयपुर का लोकल टाइम होगा। अपनी घड़ियों का टाइम मैडम IST टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो हमने इलाहाबाद से लिया है। तो अपनी वॉच वाले टाइम में ये जो टाइम बताएगा उसमें डिफरेंस है। आज का डिफरेंस है 17 मिनट्स का, 17। तो इस घड़ी का जो भी टाइम आएगा उसमें आप ऐड कर देंगे 17 मिनट्स, तो एग्जैक्टली अपनी घड़ी वाला टाइम आएगा। नंबर सबसे कोने से स्टार्ट है, 6 मॉर्निंग है, तो 6 मॉर्निंग, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 to 12 टाइमिंग इधर है, आफ्टर 12 दीवार के उधर है। तो यहाँ पे एक जो वाइट मार्बल है 1 आवर्स का है, 1 आवर्स के 4 पार्ट है, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 और 60। इसका 3 पार्ट है, 5, 10, 15। इसका 5 पार्ट है 1 मिनट्स में, और 1 का 3 पार्ट है 20 सेकेंड में। तो इसका जो एक्यूरेसी है सर 20 सेकंड तक का, 20 सेकंड। बीच में जो वॉल है ये वाला, इस वॉल की शैडो से टाइम देखिए। अभी आप शैडो देखो, ये आ रहा तो अपने को टाइम बता रहा है कितना हो गया। ये 9 हो गया, 9:15, 30, 45, 50, 51, 52। तो 9:52 में कितना जोड़ेंगे, 17। तो आपकी घड़ी का टाइम ये हो जाएगा ऑलमोस्ट, यानी कि 10:09 होगा। परफेक्ट, बट विदाउट सन नो फंक्शन। अगर अभी क्लाउडी होता मैडम, रेनी सीजन होता, दिस विल बी नॉट अलाउड। आपको सनलाइट का जरूरत है आफ्टर 12 उधर वाला टाइम। ये 12 बजे बात का आफ्टर, बट नो सन नो फंक्शन। डिफरेंस जो लिखा हुआ ना सर बोर्ड के ऊपर देखो, अकॉर्डिंग टू सीजन चेंज होता है। ऐसा नहीं है रोज आओ 17 ऐड कर दो, चेंज होता है। इससे हम लोग बोलते हैं कंपास। कंपास रात में काम करेगा, आपको 4 स्टार 2 तारा देखने के काम आएगा। आप नाइट में कभी भी आएंगे सर या नीचे बैठेंगे, ये पॉइंट है, इस पर अपनी आई आंख लगाएंगे। यहाँ से आंख लगा के सीधा स्ट्रेट देखोगे अगर आप स्काई में, आपको जो भी स्टार नज़र आएगा स्काई में देखने पे, वो ध्रुव तारा ही होगा, नॉर्थ स्टार। क्योंकि ध्रुव तारा कभी मूवमेंट नहीं करता है, हमेशा नॉर्थ में फिक्स होता है। तो दिस इज नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के लिए। तो राजा ने सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रूमेंट बनाया सर, उसके बाद बाकी इंस्ट्रूमेंट। 18 सेंचुरी में भी इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स इन लोगों ने यहाँ पे किए, और आज भी इसको यूज़ किया जाता है, दैट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पर्पजली ये व्लॉग मैं रॉ रखने वाली हूँ, क्योंकि जंतर मंतर इस जगह के बारे में मुझे डिटेल नॉलेज आप तक पहुँचानी है। फोर्ट, उसके बाद दिस इज़ अ सिटी पैलेस, दिस इज सिटी पैलेस, और ये है जंतर मंतर पूरा। बट अभी इंस्ट्रूमेंट फंक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट फंक्शन करता है मार्च टू सेप्टेम्बर 23rd ऑफ सेप्टेम्बर के बाद ये बंद हो जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि सर अपना जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, तो सन की पोजीशन चेंज हो जाता है। 6 महीने सन उत्तरायण में होता है,
छह महीने सन दक्षिण में, जिसे सर अपन लोग नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। देखो इधर अभी सनलाइट आ रहा है, मैडम आपको टाइम भी बता रहा होगा, देखो रोड का शो भी आ रहा है कल का। येलो वाली बोल, मेरा फिंगर का शैडो यहाँ लगाता हूँ, दोनों कहाँ पे मैच हो रहे हैं किस जगह, तो अपने को बता रहा है 957 में 17 और जुड़ेंगे, आपकी गाड़ी का टाइम हो जाएगा 14 14, 10:14 हो रहा है, लेकिन ये काम करता है 23 सितंबर से स्टार्ट हुआ सर, 20 मार्च तक काम करेगा और 21 मार्च के बाद इसके पीछे वाला काम करेगा, दो दिन ऐसे भी आएंगे ईयर में दोनों घड़ियां बंद, न इधर फंक्शन करता है ना उधर। आपको पता है ना जब सन इक्वेटर पे आ जाता है इक्विनॉक्स होता है, दिनों रात बराबर होता है, सन बीच में हो जाता है तो सन का लाइट ना इधर गिरेगा ना उधर गिरेगा, सन बीच में रहेगा तो सन का लाइट ऊपर गिरेगा बीच में दोनों के, तो राजा ने उन दो दिन के लिए एक ऊपर और इंस्ट्रूमेंट बनाया 21 मार्च 23 सितंबर के, ये सब 18 सेंचुरी में सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए, इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ सर यंतर राज, यंतर इंस्ट्रूमेंट राज किंग, दिस इज किंग ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट, नाइट में ये इंस्ट्रूमेंट काम करेगा, स्टार्स की पोजीशन बताएगा प्लैनेट्स की कि कौन सा स्टार जयपुर से किस पोजीशन पे है, कैसे ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जयपुर का स्काई है, आकाश बनाया हुआ जयपुर का, इस पर आप लाइनें देख सकते हो, वो लाइन लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स है, ओके बीच में जो होल है ना वो जयपुर है, पोल के नीचे लाइन जा रहा है इस तरह से, वो लाइन इक्वेटर लाइन है, एक मिनट उधर चलेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, वेट करिए। लेकिन एस्ट्रोनॉमी आई, एस्ट्रोलॉजी बाद में, तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, साइंस है, जैसे मैं आपको बोलूं अभी जो सन जो सबसे ब्राइट थिंग्स है स्काई में वो सन है, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा सन ही है, लेकिन ये मैं बोलूँ ये सन है और कल आपकी लाइफ से ये इन्फ्लुएंस करेगा, ये प्रभाव डालेगा, तो वी आर नॉट श्योर, श्योर नहीं है अपन लोग, होगा ही होगा या नहीं होगा, दैट्स वी कॉल्ड इज एस्ट्रोलॉजी। लेकिन इंडियन एस्ट्रोलॉजर ने पूरे वर्ल्ड में प्रूव कर दिया एस्ट्रोलॉजी आल्सो साइंस, क्योंकि जो चीज़ वो बोलते हैं उसमें 80-70% तक एक्यूरेसी, इसलिए अभी वर्ल्ड में भी एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करने लगे। तो एस्ट्रोनॉमी जो है वो विदेश अरब कंट्रीज से आई, एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंडिया में से स्टार्ट हुई। तो उस ज़माने में सवाई जयसिंह ने जब ऑब्जर्वेटरी बनाई थी तो उनको इन्फॉर्मेशन और चाहिए था, तो वो सर उस इन्फॉर्मेशन के लिए अपने जो स्कॉलर्स है उसको इंडिया के कई बड़े शहरों में भेजा, विदेशों में भी भेजा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, लेकिन इन्फॉर्मेशन जब उनको हाथ लगी, सब डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हो आप, मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हैं, उधर राजस्थानी बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस में थी, इसलिए सिर्फ जंतर मंतर बनाने के लिए राजा जयसिंह ने 17 भाषाएं भी सीखी, तो 17 लैंग्वेजेस स्पोक, इसीलिए उनको सवाई का टाइटल दिया गया, वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो पहला सवाई उनके लिए ही लगा, उसके बाद में जितने राजा हुए सबके सवाई रखता चला। सवाई का मतलब होता है ना सवा शेर, शेर को सवा शेर, सवा शेर वर्ड इंग्लिश में भी है सेवेंट, सेवेंट वाला वर्ड वही है, तो सवाई मतलब सवाई मीन्स सवा शेर, वन टू ना जला सवा शेर, सवा शेर अति चतुर, अति चतुर एक हिंदी वर्ड है, इंटेलिजेंट, अति चतुर, हाईली इंटेलिजेंट। अभी अपन चलेंगे बिगेस्ट सन क्लॉक इन द वर्ल्ड, अपन ने जो पहला इंस्ट्रूमेंट देखा था रेड वाला स्मॉल सन डायल था, राजा उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसी क्लॉक को इधर बड़ा बना दिया, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक है जिसका गिनीज बुक पे भी नाम है, 6 से 12 का मॉर्निंग टाइम इधर है, 12 बजे बाद उधर है, लेकिन जितना बड़ा बनाओगे मैडम उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, उधर 20 सेकेंड का एक्यूरेसी है, 10 गुना बड़ा 2 सेकेंड का एक्यूरेसी, ये घड़ी आपको 2 सेकेंड तक का टाइम बता सकता है, इसी का शैडो इज फॉलिंग देयर एंड बिफोर द शैडो रिटन ऑन द वाइट मार्बल 10 o'clock, 10 दिख रहा है, राइट 10 दिख रहा है, एक ब्लॉक 15 मिनट्स का है, तो 10, 15, 21 के आसपास ही है, 10, 21 में कितना जोड़ेंगे 17, तो आपकी घड़ी का टाइम 38,
37 दूर है, थोड़ा दूर पास। राम यंत्र को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया मैडम, ये पार्ट्स बी है, उधर पार्ट्स ए है, दोनों एक एक घंटा काम करेगा कॉम्प्लीमेंट्री। इंस्ट्रूमेंट आपको दो चीज बताएगा, फर्स्ट इज एल्टीट्यूड, आप कोई भी शहर में हो सन का एंगल जीरो होता है सर, जब सनराइज होता है तो सन कम लाइक दिस, सो दिस एंगल वी कॉल इज एल्टीट्यूड। ओके, एक तो एल्टीट्यूड बताएगा, सेकेंड थिंग बताएगा आपको एजीमथ मैडम। एजीमथ, एजीमथ का मतलब रोटेशन ऑफ द अर्थ। अपनी अर्थ दो फंक्शन कर रही है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो रोटेशन वो कंप्लीट करती है मैडम 24 आवर्स का, ओके 12 to 12 डे टू नेक्स्ट डे 12 ऑन, लेकिन वो सारे जो रोटेशन कंप्लीट करेगी वो रेस्पेक्ट टू लोकल मिरर। क्योंकि सन मान लीजिए 12 मॉर्निंग में यहाँ पे है और 12 बजे सन कहाँ पे आ जाएगा, लोकल मेरिडियन पे। हर शहर का अपना लोकल मेरिडियन होता है, तो शहर के लिए वो रोटेशन कंप्लीट करेगी। अगर यहाँ पे जो रोटेशन अभी बताएगा ये नहीं है कि बॉम्बे में भी वही बताए, गुजरात में वही बताए, क्योंकि वो शहर के अनुसार उस शहर में कब रोटेशन कम्प्लीट किया। एक्चुअली जयपुर ऐसा शहर है पूरे वर्ल्ड का जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बसाया गया है, तो जयपुर जो है वो 9 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 9 ब्लॉक में क्यों, क्योंकि 9 प्लैनेट्स होते हैं, तो 7 जो प्लैनेट्स हैं ना वो रिप्रेजेंट करते हैं पिंक सिटी को, तो जो 7 जो प्लैनेट्स थे वो पिंक सिटी था लोकल लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए, और जो 2 ब्लॉक थे वो रॉयल फैमिली के लिए। तो ये वो क्या 2 ब्लॉक है जो येलो सिटी है। ओह राइट 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 राइट, इसमें क्या है किसी को अंदर आना अलाउ नहीं था टिल 1957, जब तक डेमोक्रेसी नहीं आई थी। डेमोक्रेसी के बाद में ये सब गवर्नमेंट के अंडर में, तो अपन लोग कहीं भी विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले अलाउ नहीं था। तो जब आप सिटी पहले तो जंतर मंतर देखने आए थे तो आपने एक बड़े डोर से एंट्री किया, राइट, तो उस डोर के अंदर आप एंट्री करोगे सब येलो हो जाएगा, डोर के बाहर जाओगे सब पिंक हो जाएगा। तो क्या है कि ये दोनों शहर अलग अलग है। तो ये जो पैलेस था, इस पैलेस के आसपास राजा के जो गुप्तचर होते थे, राजवेद होते थे, राजगुरु होते थे, उनके सेनापति होते थे, वो इस एरिया में रहते थे मैडम, और कॉमन पीपल्स उधर रहते थे पिंक सिटी में। तो इसलिए क्या है कि इस शहर को उससे डिवाइड अलग किया गया है। और जयपुर ऐसा शहर है जिसकी सारी जो स्ट्रीट है पिंक सिटी की वो स्ट्रेट है और 90 डिग्री पे कट है, एक भी स्ट्रीट आप इस तरह का नहीं देखोगे, सारी स्ट्रेट है। और आप अगर मेन स्ट्रीट पे हो तो मेन स्ट्रीट से क्या कि सारी अंदर स्ट्रीट जाती है छोटी छोटी, अगर आप अंदर किसी स्ट्रीट में चले गए तो आपको पूछने का जरूरत नहीं है मेन स्ट्रीट पे आने के लिए, कोई भी स्ट्रीट पकड़ोगे वो सीधी है, तो बिल्कुल मेन उस स्ट्रीट पे आ जाओगे वापस। प्रॉपर टाउन मैनेजमेंट किया हुआ वो टाइम, हाँ, उस समय ड्रेनेज सिस्टम तक बनाया गया। उस जमाने में राजा ने ना जो ये जो शॉप बनी हुई है पिंक सिटी की, सारी शॉप्स है पीछे की तरफ मकान बनाए गए रेजिडेंशियल एरिया, आगे की तरफ शॉप्स है, तो क्या कि शॉप के सामने जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है सब पानी का। जयपुर एक हिस्टोरिकल और प्यारा सा शहर है। जयपुर के अर्लियर व्लॉग में मैंने यहाँ के पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड नमस्ते।